Hey guys, what's up? Welcome to Ice and Studio. I am Vikas Yogi. And this is Chennai's beautiful Kovalam Beach. And this here is a local Chennai boy. Well, sort of, because it is here manufactured, Ford EcoSport. But what is this particular variant? Well, this is called the Ford EcoSport S. So is it yet another EcoSport variant? And what does S mean here? Sports? Well, that is exactly what we're going to find out today. So ladies and gentlemen, let's get the wheels turning. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. So let's start with the design. Ki kya kuch change hua hai? To front mein agar aap dekhenge, to aapko blackened sa treatment overall dekhne ko milega. Agar aap grill ki baat karein, to ye all black type rakhi gayi hai. Ye jo surrounding hai, it's a smoked black color kaha hai Ford ne. To overall all black sa treatment yahan pe hai. Same aapko headlamp pe bhi dekhne ko milega. HID projector headlamps hain aur LED daytime running lights mein aati hai. But aapko ye black treatment, black inserts aapko dekhne ko milenge, jo ki iske overall look ko kaafi acche se compliment kar rahi hai. Same aapko fog lamp ki agar aap housing ki baat karenge to wo bhi black color mein hai. To ye hai front ke changes. Move karte hain side mein. तो साइड में जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसके ऑल न्यू एलॉय व्हील्स और ये भी अगेन ग्लॉसी ब्लैक टाइप फिनिश दिया है स्मोक्ड टाइप तो ओवरऑल ब्लैक रखने की कोशिश की गई है और ये साइज में 17 इंच के हैं अगर आपको याद होगा तो जो टाइटेनियम प्लस जो वेरिएंट था जो कि फेसलिफ्ट के साथ में लॉन्च किया गया था उसके साथ में 17 इंच के व्हील्स दिए गए थे बेसिकली अब उसमें 16 इंच के व्हील्स हो गए हैं क्योंकि ये बन गया है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और इसमें आपको मिलते हैं 17 इंच के टायर्स और प्रोफाइल बिल्कुल वही है उसके अलावा साइड में आप एक और चीज नोटिस करेंगे और वो है इसके जो रूफ रेल्स हैं उन्हें भी ब्लैक रखा गया है और जो रूफ ओवरऑल भी है उसे ब्लैक रखी है मतलब ब्लैक सा ही ट्रीटमेंट किया गया है रियर में सिर्फ एक बड़ा बदलाव है और वो है इसकी बैजिंग EcoSport S का बैज आपको मिलता है और उसके नीचे इंजन की जो बैज है उसे भी लगाया गया है दैट मींस EcoBoost का भी आपको बैज वहां पे देखने को मिलेगा एक्सटीरियर में किए गए कुछ सटल चेंजेस की वजह से इसके बाहर का जो लुक है उसे ज़्यादा अप मार्केट बनाने की कोशिश की है फोर्ड इंडिया ने और सेम आपको इंटीरियर में भी देखने को मिलेगा कुछ सटल चेंजेस हैं काले कॉम्बिनेशन थोड़े से अलग किए गए हैं बेसिकली ऑरेंज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है अगर आप देखेंगे एक्सेंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं ऑरेंज जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑरेंज का इस्तेमाल हुआ है सेंटर कंसोल में भी ऑरेंज एक्सेंट्स हैं और सेम अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये जो पार्ट है इसे ऑरेंज में रखा गया है सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो सीट्स में भी आपको ऑरेंज स्टिचिंग मिलती है और ऑरेंज एक्सेंट्स का ही इस्तेमाल हुआ है सेम दरवाजों पर भी आपको देखने को मिलेगा बट अच्छी चीज़ ये है कि ये ज़्यादा चुभ नहीं रहा है इनफैक्ट इसकी ओवरऑल प्रीमियम अपील को बढ़ा ही रहा है कहीं पर भी अननेसेसरी नहीं लग रहा है सेम ऑरेंज स्टिचिंग आपको यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील पे भी देखने को मिलेगी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क ये नहीं ला पा रही है मुझे तो बेसिकली वैसी की वैसी लग रही है बहुत मामूली सा फ़र्क है इसमें अगर आप एस्थेटिक्स की बात करेंगे तो ओवरऑल आई थिंक ये पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है कैबिन ऑल द क्वालिटी बिल्कुल वैसी है प्लास्टिक क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं हुआ है सब जगह बिल्कुल वही फीचर्स भी आपको ऑफर किए गए हैं बट एक बड़ा चेंज है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और वो है इसका सनरूफ जो फोर्ड की भाषा में है सनरूफ इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेबल सनरूफ जहां तक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात है तो उसमें भी सटल चेंजेस किए गए हैं क्योंकि जो रेगुलर मॉडल है वो बहुत ही बेसिक लगता है यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसे क्रोम रिंग दी गई है जो कि इसे थोड़ा बेहतर बनाती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स इनफैक्ट जो MID डिस्प्ले है उसे भी चेंज किया गया है बड़ी LCD इसमें लगाई गई है और इसमें अब आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी फीचर दिया गया है मतलब आप टायर का जो प्रेशर है आपके हर इंडिविजुअल टायर का वो इसमें देख सकते हैं विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ नाइस टच जहां तक बाकी फीचर्स कंफर्ट हो कन्वीनियंस हो या फिर सेफ्टी फीचर्स वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं दैट मींस ये काफ़ी लोडेड व्हीकल है सभी तरीके के फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए गए हैं और उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी
एक्सटीरियर में हुए कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस और इंटीरियर में किए गए कुछ चेंजेस डेफिनेटली इससे ज़्यादा अप मार्केट वेरिएंट बनाते हैं इस लाइनअप में. बट सबसे बड़ा चेंज किया गया है अंडर द हुड, एंड व्हाई डू आई से दैट, क्योंकि इसमें वापसी करता है फोर्ड का इको बूस्ट. एक लीटर का जो इंजन है, जो अवार्ड विनिंग इंजन है, उसने वापसी की है. पावर फिगर्स बेसिकली सेम ही है जो कि प्री फेसलिफ्ट मॉडल में थे. दैट मींस आपको अभी भी 125 पीएस की पावर मिलती है जो कि लगभग 123 बीएचपी है, और 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है. और सबसे अच्छी बात है इस पर्टिकुलर इंजन की, आपको पीक टॉर्क जो है वो एज लो एज 1500 आरपीएम से मिलने लग जाता है. बट पुराने वाले मॉडल में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक टर्बोचार्ज्ड इंजन है, ऑफ कोर्स एक 999cc इंजन पर बेस्ड है, और इस पे टर्बो की मदद से और वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग की मदद से इसकी पावर इंक्रीज की गई है. तो पुराने वाले में एक कमी मुझे पर्सनली लगती थी कि 1800 आरपीएम से नीचे बहुत कुछ था नहीं. दैट मींस पावर आपको बहुत कम लगती थी, और जब तक आप 1800 क्रॉस नहीं करते थे तब तक आपको लगता नहीं था कि आप जेन्युइनली एक इतने पावरफुल इंजन को चला रहे हैं. इस बार ये चीज़ अच्छी है कि आप 1500 आरपीएम पर भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप इजीली चला सकते हैं. इसका मतलब ट्रैक्टेबल ज़्यादा है, ड्राइवेबिलिटी थोड़ी बेहतर हुई है. आप इनफैक्ट थर्ड ईयर में भी इस पर्टिकुलर इंजन को 25 से 30 kmph की स्पीड पर चला सकते हैं, जो कि दिखाता है कि कितना ट्रैक्टेबल है और सिटी फ्रेंडली है ये इंजन. तो जो पुरानी वाली वो कमी थी वो मुझे इसमें डेफिनेटली दूर होती दिख रही है. और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसके साथ ऑफर किए गए ऑल न्यू 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को, जो कि पावर को ज्यादा अच्छे से हैंडल करता है, स्पेशली इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से. हालांकि शिफ्ट करने में अब भी उतना स्मूथ नहीं है जितना प्रॉब्ली इसके कुछ एक राइवल्स ऑफर करते हैं, बट ये श्योरली पुराने वाले मॉडल से बेहतर है ओवरऑल ऑपरेशंस में, और नॉची फील नहीं होता है. जहां तक बात मिड रेंज की है तो वो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमेशा से रहा है, और वो इस बार भी बरकरार है. दैट मींस आप 1800 से जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद में आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ पावर है, एंड यू कैन डेफिनेटली प्ले विद इट. जो रेड लाइन है इस इंजन की वो लगभग 6500 rpm पे आती है, और अच्छी बात है उस मोमेंट तक, मतलब लगभग 6000 rpm तक आपके पास में स्ट्रॉन्ग पावर है, पंच हमेशा रहता है. किसी भी मोमेंट पे आपको नहीं लगेगा कि पावर की कोई कमी है. शुरू के जो दो गियर्स हैं ऑफकोर्स उन्हें शॉर्ट रखा गया है, दैट मींस एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छी है. सेकंड गियर में भी आप को लगेगा कि हाँ काफ़ी अच्छा ग्रंट है. वहीं पे थर्ड गियर से थोड़ा टॉल होना शुरू हो जाता है. थर्ड गियर सिटी फ्रेंडली मैं उसे बोलूँगा, जिसमें आप मोस्टली सिटी ड्राइव्स कर सकते हैं. हाँ, हाईवेज पर जब आप इसे चला रहे हैं तो कभी कभी आपको लगता है किसी मोमेंट पे कि आप मान लीजिए फोर्थ या फिफ्थ गियर में है, अराउंड 100 kmph कर रहे हैं, और आपको ओवरटेक करना हो तो उस टाइम पे नेसेसरली आपको डाउन करना पड़ता है. किसी किसी मोमेंट पे ऐसा नहीं होगा कि आप उसे पुश करेंगे और थ्रॉटल करेंगे और आप ओवरटेक कर पाएंगे. तो वो एक चीज़ अभी भी है, बट देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट, क्योंकि जैसे ही आप गियर डाउन करते हैं यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ पावर. तो वो एक बहुत ही खास बात है इस पर्टिकुलर इंजन की. जहां तक राइड क्वालिटी की बात है तो वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है फोर्ड EcoSport का, और वो इसमें भी बरकरार है. दैट मींस आप काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं अगर आप हाईवेज पर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कर रहे हैं. इनफैक्ट आप जेन्युइनली काफ़ी अच्छी खासी स्पीड्स कर रहे हैं तो भी गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है. सस्पेंशन बहुत ही अच्छे से ट्यून किया गया है. हाँ, थोड़ा सा स्टिफ की तरफ इसका झुकाव है. दैट मींस ये थोड़ी सी स्टिफ आपको लग सकती है शहर में, जब आप शहर की रोड्स पे चला रहे हैं. दैट मींस अगर बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे आ रहे हैं तो कभी कभी आपको वो अंदर फील होगा, बट What's good is कि काफ़ी ऊंची है गाड़ी, तो आप कहीं पर भी स्क्रैप नहीं करेंगे उसको, और जैसे ही आप हाईवेज पे लेके जाएंगे तो काफ़ी स्टेबल, काफ़ी कंपोज्ड ये गाड़ी रहती है, जो कि आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस देती है कि आप इसे पुश कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ ये भी अच्छी है कि स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी कम्युनिकेटिव है. इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आई डोंट थिंक कि इतनी कम्युनिकेटिव स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगी. स्टेयरिंग सेटअप जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है. इनफैक्ट अगर आप इससे एक सेगमेंट ऊपर भी जाएंगे तो भी इतनी कम्युनिकेटिव स्टेयरिंग व्हील आपको नहीं मिलेगी. काफ़ी डायरेक्ट है और फीडबैक बहुत प्रिसाइज है. पर ऐसा नहीं है कि आप सिटी स्पीड्स में चला रहे हैं तो ये काफ़ी भारी आपको लगेगी. तो ये काफ़ी बैलेंस तरीके से इसे रखा गया है. सिटी के लिए काफ़ी लाइट है, मनूवर आप इजीली कर सकते हैं, और हाईवेज पर ये वे अप हो जाती है, समथिंग दैट यू रियली रियली नीड व्हेन यू आर ऑन हाईवे. नाउ द
biggest feature according to me, क्योंकि जो पुराना वाला इको बूस्ट था वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेहतरीन था, सेम यहाँ पर भी है, बट एक उसमें बड़ी कमी थी कि वो फ्यूल एफिशिएंट ऑल्दो क्लेम करती थी कंपनी पर उतना था नहीं। बहुत से लोगों को इनफैक्ट 8 से 10 km/h का भी माइलेज वो दे रही थी, बट इस पर्टिकुलर मॉडल को चलाने के बाद में मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये कंपनी का जो क्लेम माइलेज है उसके आसपास चलाती है। दैट मीन्स 18 km/h का क्लेम माइलेज है और ये आपको 18 km/h का हाईवे पर माइलेज दे सकती है, इनफैक्ट बेटर दे सकती है। दैट्स व्हाट वी फील अगर आप इसे आराम से चलाते हैं, लाइट फुट से चलाते हैं। इनफैक्ट सिटी में भी इसने हमें लगभग 15 km/h का माइलेज दिया है, जो कि फोर्ड के पेट्रोल इंजन के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत शानदार है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये इंजन इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ में आई थिंक इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है और हर एक तरीके के कस्टमर को ये एड्रेस कर सकता है। सो इज दिस द बेस्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? वेल, अ बिग यस। मुझे नहीं लगता कोई और व्हीकल आपको इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में दे सकता है। इनफैक्ट अगर मैं क्रेटा की भी बात करूँ तो मैं इसे प्रेफर करूँगा जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जब आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो। And now the verdict time, पर उससे पहले prices, तो EcoSport S का जो petrol version है वो 11.37 lakh एक शोरूम price में आता है और उसका diesel जो version है वो 11.89 lakh में आता है। तो अगर आप Titanium Plus से compare करेंगे तो ये लगभग 80,000 के आसपास ज़्यादा महंगी है। जहाँ तक डीजल मॉडल की बात है उसमें परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है, सेम इंजन यूज़ हुआ है, सेम गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी की वैसी है। बट अगर आपको ये ब्लैक ट्रीटमेंट पसंद आ रहा है गाड़ी में तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसका जो शो स्टॉपर अब बन गया है लाइनअप का वो है इसका फोर्ड EcoSport S पेट्रोल, जो कि इको बूस्ट इंजन के साथ में आता है और इसके साथ में जो नया 6-speed गियरबॉक्स दिया गया है वो इसके साथ में बहुत ही अच्छे से काम करता है, प्रॉपर निखार कर इसकी परफॉर्मेंस को लेकर आया है नया गियरबॉक्स और इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है इंजन को भी। तो अगर आपको एक ऐसी कार की तलाश में है जो कि आपको परफॉर्मेंस भी दे और साथ ही साथ अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी ऑफर करे, तो मेरे हिसाब से फोर्ड EcoSport S इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड of our first dive review of Titanium S EcoBoost. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज़ हम आपके लिए हर हफ्ता लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।